तो SSC CHSL के एग्जाम को लास्ट एक महीना रहा है। सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो ये सोच रहे हैं कि भाई इस एक महीने की स्ट्रेटेजी बता दे कि इसके एक महीने के अंदर CHSL को कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो भाई एक महीने में हो भी नहीं सकता और पॉसिबल भी नहीं एक महीने में कर। तो इस वीडियो में मैं मेनली तीन चीजों के बारे में बात करूंगा। पहली चीज की पूरा अपना सिलेबस कैसे रिवाइज करें कम टाइम के अंदर CHSL का, ठीक है। और दूसरी चीज की अपना जो सिलेबस बचा हुआ है वो कैसे आप कवर कर पाओगे अपने रिविजन के दौरान ही, ठीक है। लास्ट में कुछ पॉइंट्स बताऊंगा और कुछ PDF वगैरह भी दूंगा जिसके अंदर आप स्कोर आ रहा है ना जो भी मॉक टेस्ट में वो डेफिनेटली बूस्ट होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की कि मैथ्स को रिवीजन कैसे करें। देखिए मैथ्स को रिवीजन करने का एक बेस्ट तरीका बता रहा हूं मैं कि जैसे अगर कंप्लीट एक ही चैप्टर करने लगे तो हो गया आपके कल्याण। हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन लोगे, आपके 10 चैप्टर हो गए तो 10-10 क्वेश्चन लगभग 100 क्वेश्चन हो गए। आप 10-10 नहीं, 7-7 या 8-8 भी ले सकते हो। तो 80 क्वेश्चन हो रहे हैं उसको 2-2.5 घंटे लगा के उन कंप्लीट क्वेश्चन करोगे, ठीक है। तो डेली के 2-2.5 घंटे इस तरह से लगाओगे, सारे चैप्टर्स का रिविजन हो जाएगा एक ही बार में। एक एक चैप्टर अगर रिविजन करने लगे तो पता चला कि यार जो महीने भर पहले चैप्टर पढ़ा था तो वो तो भूल ही गए, ठीक है। इसके बाद आ जाता है रीजनिंग, तो रीजनिंग का भी सेम ही कंसेप्ट लगाना जो मैथ्स में करते हैं। में एक चीज याद रखना कि जो चैप्टर आपका अच्छा हो रखा है ना, जिस चैप्टर में मतलब क्या है दिक्कत तो आती नहीं, कुछ 5-6 चैप्टर रहते हैं जिसमें जो हर कोई कर लेता है, तो वो उसके आपके प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, वो आपके अच्छे हो रखे हैं। लेकिन जो आपके बचे हुए चैप्टर है ना जिसमें थोड़ी आपको प्रॉब्लम आती है नंबर सीरीज वगैरह या फिर ब्लड रिलेशन में आपको टाइम लगता है, तो उनके आप 7-8 जो क्वेश्चन है उसकी जगह 15 या 20 क्वेश्चन कर करके इसलिए 5-6 चैप्टर को आप इस तरह से निपटा सकते हैं डेली का। अब आगे आ जाती है भाई इंग्लिश के बारे, इंग्लिश को कैसे करें। देखिए इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं बताऊंगा जो मैं पर्सनली कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि इंग्लिश की कितनी वैल्यू है मेरी लाइफ में। मेरे काफी सारे एग्जाम है जो इंग्लिश की वजह से मैं रह चुका हूं। तो इंग्लिश में अभी मैंने पकड़ करी है तो मैं क्या आपको सजेस्ट करूंगा भाई, इंग्लिश में आपको रिवीजन करना है तो एक चीज करना है कि जो ग्रामर का चैप्टर जैसे नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट जो बुक है वो सबसे बेस्ट है, तो उसको क्या करना है, उसका डेली का एक चैप्टर आपको रिवाइज करना है। कैसे भी करना है एक चैप्टर रिवाइज करना है डेली का, मतलब ऐसे छोटे छोटे चैप्टर भी है जो एक दिन में 2-2, 3-3 चैप्टर भी हो जाएंगे आपके रिवीजन, और कुछ किसी दिन मतलब 2 दिन में भी एक चैप्टर होगा, ठीक है। तो ऑन ऑन एवरेज मान सकते हैं कि हम एक डेली का एक चैप्टर अगर कंप्लीट कर लें तो सबसे पहले रिवाइज करना है, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे लगाएं भाई, मान लो आपने एक चैप्टर पढ़ा है उसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए तो ये कहां मिलेंगे। ये जो बुक दिख रही है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से, तो इन्होंने मेरे को बताया कि भाई हमारी जो ये बुक है इनको आप देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंबाइन किया है तो आपको अच्छी लगे तो आप बताइए, ठीक है। तो मैंने कहा भाई इसमें क्या अलग है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो वैसे भी बहुत सारी है, तो भाई इसमें मैंने अच्छे से देखा तब पता चला भाई इसमें एक एक मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे कि आपने अगर इंग्लिश में अगर नाउन चैप्टर कंप्लीट किया 4 से 5 साल के अंदर नाउन चैप्टर से कितने जो इरर बन रखे हैं वो सारे एक ही जगह दे रखे हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर टेंस चैप्टर आपने पढ़ लिया तो टेंस के कौन कौन से इरर दे रखे हैं तो वो यहां पे मिल जाएंगे आपको। मतलब एक टॉपिक को आपने नीतू मैम वॉल्यूम फर्स्ट से आपने रिवाइज किया और उसके बाद उसी चैप्टर के क्वेश्चन लगा लिए तो आपको हाथों हाथ आप लोगों को अप्लाई करना आ जाएगा कि हाँ यार नाउन में इरर आती है तो कहां से आती है, टेंस की इरर कहां से आती है, कैसे आती है, वर्ब की कैसे आती है। मैथ्स का और जीके का रीजनिंग का सबका इसी पे मिल जाएगा। जैसे कि आपने जीके के अंदर मान लो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी, अगर एंशिएंट हिस्ट्री का आपके प्रैक्टिस करना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और उसी एंसेंट हिस्ट्री के जो आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए उसी डिटो के। और इसमें ये भी है कि अगर एंसेंट हिस्ट्री मौर्य काल पढ़ा तो मौर्य काल से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन रखे हैं ना मतलब पिछले 4-5 साल में वो सारे एक ही जगह दे रखे हैं। तो इस तरह से चारों सब्जेक्ट के मिल रहे हैं। आप मैथ्स में भी आप किसी एक टॉपिक के करना चाहते हो कि हाँ इसमें दिक्कत है तो उसी टॉपिक के आप क्वेश्चन जाके लगा सकते हो। ये इनका पेज है, इन पेज पे जाके आप जो भी बुक लेना चाहते हो यहाँ से ले सकते हो CHSL के रिगार्डिंग, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये तो करना है इंग्लिश ग्रामर के बारे में, इंग्लिश की वोकैब की आ जाते हैं तो वोकैब के लिए मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा भाई, वोकैब के लिए जो नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट है ना इसमें जितने भी वोकैब है वो आप कंप्लीट पढ़ लेनी है। इसके अलावा अगर वोकैब करना है तो वो एक ही चीज करना है प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर कहां से मिलेंगे, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पिछले 4 साल के प्रीवियस ईयर के जितने भी वोकैब आए हैं SSC के वो सारे मैंने डाल रखे हैं, तो वहां पे जाके आप देख लेना। सिर्फ उस PDF को उन PDF को पढ़ लेना, 4 PDF अलग अलग सिनोनियम एंटोनियम की, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, idioms वगैरह के, तो वहां पर 4 PDF है उनको अच्छे से देख लेना। इसके अलावा आपको वोकैब में कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं भाई जीके के बारे में कैसे करें, तो जीके का मैंने अभी बताया कि जो अगर आप वो बुक लेते हो, अगर आपके पास पहले भी प्रीवियस ईयर की बुक है वो टॉपिक वाइज आपके पास मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप ये जो बुक बताइए वो ले सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास कोई नोट्स वगैरह है या फिर आप जहां से भी आपने पहले सिलेबस किया है वहां से उस चीज को थ्योरी पढ़ लीजिए, ठीक है। जहां
यहां से भी आपने फटाफट से रिवीजन करना, आपको जितना पहले टाइम लगना उतना टाइम नहीं लगने वाला। अगर कहीं से भी नहीं पढ़ा तो आप यूट्यूब पर सिंपल सर्च कीजिए, आपने जो एनसीएटी हिस्ट्री मान लिया एनसीएटी हिस्ट्री पढ़नी है तो एनसीएटी हिस्ट्री की डायरेक्ट एक ही जो मैराथन क्लास है उनको देखना है, सिर्फ कुछ भी नहीं करना, देखना है उसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना जो मैंने बताया उसी हिसाब से। और जीके के बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है तो वहां जाकर देख सकते हो कौन कौन से टीचर से आप यूट्यूब से अपना कर सकते हो कम टाइम के अंदर। करंट अफेयर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है करंट अफेयर कहां से करें, तो करंट अफेयर के मैं सजेस्ट करूंगा भाई आप यूट्यूब पे सिर्फ मंथली वीडियो देखनी है। डेली आपने एक महीने की वीडियो देखी है तो लगभग 7 महीने की करंट अफेयर हो जाती है जनवरी तक की, तो 7 दिन में आपकी डेली 7 वीडियो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आपको 8वें दिन फिर से आपको जुलाई और अगस्त मतलब 2-2 महीने की डेली की वीडियो देखना स्टार्ट करनी है। मतलब 2 महीने की मतलब कैसे करोगे यार, ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। सेकंड राउंड के अंदर जैसे आप देखोगे ना तो उसमें आपको स्पीड इंक्रीज कर लेनी है 1.5x या 2x की स्पीड में देख सकते हो, तो वो बहुत कम टाइम लगने वाला, 2 वीडियो आप देख लोगे तो उससे 2 बार आपका रिवीजन हो जाएगा ना करंट अफेयर का जो वीडियो के अंदर ऑप्शन समय, तो आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा कि हाँ यार ये ऑप्शन है वो देखते आप टिक कर दोगे। बहुत अच्छी प्रैक्टिकल चीज बताई है मैंने। और इसके बाद स्टैटिक के जो टॉपिक है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप कमेंट करके बता देना अगर आपको चाहिए तो। मतलब टॉपिक वाइज आप स्टैटिक को कंप्लीट कीजिए, स्टैटिक में डेली के 2 टॉपिक या 3 टॉपिक हो तो कंप्लीट करना स्टार्ट कर लीजिए अभी से। आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिक के, बचे हुआ चैप्टर है आपके या बचा हुआ सिलेबस है तो वो होगा आपका सिर्फ मॉक टेस्ट है। डेली का एक मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, 1 घंटे का मॉक टेस्ट है, 1 घंटे फिर 1.5 घंटा आपको एनालिसिस करना है, और जो बचे हुए चैप्टर है ना वो एनालिसिस में अच्छे खासे होंगे। अब कैसे होंगे, मतलब जो मान लो जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही, जिस चैप्टर के आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुए, उस चैप्टर को आपको या तो यूट्यूब से देख लेना है उसी कंसेप्ट को, या फिर सॉल्यूशन मिलेगा वो अच्छे से देख लेना है। और टेस्ट कौन से लगाने, सिर्फ प्रीवियस ईयर टेस्ट ही लगाना है, प्रीवियस ईयर मॉक ही लगाना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो आपके मोस्ट प्रोबेबिलिटी उसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको नया पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैथ्स में कुछ भी 1-2 चैप्टर छूट रहे हैं तो 2 चैप्टर आप मॉक टेस्ट से भी आराम से कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज मैंने जो पीडीएफ डाली है वोकैब की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से कर लेना। स्टैटिक के टॉपिक है वो अच्छे से कंप्लीट कर लेना, आपके डेफिनेटली आपके मार्क्स बूस्ट होने वाले हैं। तीसरी चीज है भाई कैलकुलेशन पर अच्छी सी पकड़ कर लेना। डेली के आप अभी से स्टार्ट कर दो, 1 महीना आपका डेली के मतलब स्क्वायर क्यूब रूट वगैरह फॉर्मूला जितने भी है मुख जवान हो जाने चाहिए। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।